लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि 11 सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। तय हुआ यूपी का घमासान, मिनी जंग का सज गया मैदान। यूपी की 11 सीटों पर उपचुनाव, 21 को वोटिंग, 24 अक्टूबर को परिणाम। उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले की मिनी जंग यानी कि 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक इन 11 सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 24 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। शेड्यूल ऑफ बाई इलेक्शंस पढ़ दो। नंबर 1, नोटिफिकेशन 23 सितंबर, उत्तर प्रदेश 11। उपचुनाव के लिए कई सीटों पर कांग्रेस, सपा और बसपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि बीजेपी कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रत्याशियों का अब ऐलान करेगी। इस चुनाव के लिए सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस किसी भी दल ने गठबंधन नहीं किया है। आइए आपको बताते हैं यूपी की किन सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। सहारनपुर की गंगो, रामपुर की रामपुर सदर, अलीगढ़ की इगलास, कानपुर नगर की गोविंद नगर, लखनऊ की लखनऊ कैंट, चित्रकूट की मानिकपुर, प्रतापगढ़ की सदर, बाराबंकी की जैतपुर, अंबेडकर नगर की जलालपुर, बहराइच की बलहा और मऊ की घोसी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इधर तारीखों के ऐलान से पहले ही इन सीटों के लिए बसपा ने सभी, कांग्रेस ने ज्यादातर और सपा ने कुछ सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए हों, पर बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। हालांकि उम्मीदवारों के नामों को लेकर पार्टी रणनीतिकारों ने दो दौर का विचार विमर्श पूरा कर लिया है, लेकिन फैसला नहीं किया गया है। इस बीच उपचुनाव को लेकर अलग अलग सीटों के प्रभारी बनाए गए मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट संगठन तक पहुंचा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी में सियासी समीकरण बदल चुके हैं और ये चुनाव सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए खुद को साबित करने के लिए फिर से बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर हमीरपुर विधान